इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान माँ के साथ निषाद जी लक्ष्मण जी को लेकर गंगा जी की रेत पर उतरे। केवट जी ने उतर कर दंडवत किया, प्रभु को संकोच हुआ। किस बात का? इन्हें कुछ दिया नहीं, वो तो मना ही कर दिए। ननाथ उतर आई चाहे, अरे मना कर दिए तो क्या करेंगे, देंगे नहीं, मना कर दिए। मना करना अच्छा नहीं भैया। देखिए बहुत बुरी स्थिति है ये मना करना। कई लोग शादी ब्याह में बेटा बेटी कहते हैं हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन मनवा में सोचते हैं कुछ तो देवे करिए हैं। अब मान लीजिए उन्होंने यही पकड़ लिया कि आपने कहा था हम तो लेते नहीं हैं, तब क्या होगा? ऐसा न करिए, मना करिए तो स्पष्ट मना करिए, नहीं साहब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये न कहिए आप अपनी लड़की को जो मन करे, लड़की भी तो तुम्हारी बहू हो जाएगी। लड़की को तो हम दे चुके जो पढ़ाने लिखाने में कर चुके, अब क्या बचा है? ये जो प्रतिशत की स्थिति है ना व्यवहार की, बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। खुला खेल करो, ले लो भाई क्या लेना है, गाड़ी घोड़ा फटफटिया स्कूटर जो भी लेना है मांग लो, क्यों मांगोगे? लेकिन नहीं मांग रहे हैं इसलिए कि भगवान ने बहुत दिया है, देवे करी है। सावधान, हमारे एक परिचित हैं, वो कर्नल हैं, उनके लड़के से कोई अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए गया। जो गए वो भी वही थे, तो आप जानते हैं मिलिट्री के लोग दाएं बाएं बात नहीं करते, जो कहते सीधा सीधा करते। उन्हें स्पष्ट कह दिया, भाई देखो बेटा ये है आपकी बेटी है, जैसा आपको करना है करो। तब कन्या का पिता पूछता है आप क्या खर्च करेंगे? अरे बोले मेरा लड़का है हम क्यों करेंगे, आप करो। बोले नहीं, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे तब ब्याह करेंगे। यही हुआ, दोनों मिलिट्री मैन शादी, भाई 20 इन्होंने खर्च किया और 30 उन्होंने खर्च किया, तब ब्याह भया। क्योंकि लोहे को लोहे काटता है, जैसे लड़की के पिता वैसे लड़के के पिता। बात जम गई भाई, ये तो ठीक है लेकिन प्रतिशत में व्यवहार हो ना, कहा हाँ कना तो बेठीक नहीं हो, बात बिगड़ती है। रिश्ते में मिठास बढ़नी चाहिए, खटास नहीं आनी चाहिए। यद्यपि केवट जी ने स्पष्ट मना किया है कुछ नहीं चाहिए, तथापि परमात्मा है ना, भगवान को संकोच हुआ। माँ को कैसे पता चला? प्रणाम करते केवट को भगवान ने उठाया नहीं, वरना कोई भी प्रणाम करता है मेरे सरकार उसको उठा लेते हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत करुणा। भगवान प्रणाम करने वाले को सीधे उठा के हृदय से लगा लेते हैं, सरकार का स्वभाव है। केवट को नहीं उठाया, मां समझ गई सरकार को संकोच हो रहा है। पिय ही की सी अजान निहारी मन मुदरी मन मुदित, ये मन मुदित लिखने की क्या आवश्यकता बाबा को, इसलिए कि मां ने मुद्रिका उतारी तो प्रसन्न मन से उतारा, दुखी होकर नहीं। मर्यादा की रक्षा प्रसन्न मन से हो, रोकर न हो, किसी को भी न, किसी का भी न। जिसमें मन की प्रसन्नता न हो वो कमवे न करिए, रोकर किया गया कार्य फलदायी नहीं होता, रोकर दिया गया धन मन तन तन कोई फलदायी नहीं होता। रोने का काम है तो नहीं लेकिन ले जाइए, ये क्या है, दे ही रहे हो तो प्रसन्न मन से दो, चाहे जो जिसको दो
माँ ने मुदित मन से दिया। केवट अकुलाकर चरणों में गिर पड़े सरकार के, प्रभु क्या नहीं मिला। दृष्टि का दोष समाप्त हो गया, मन का दुख समाप्त हो गया, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई, हृदय का ताप चला गया। भगवान का दर्शन हुआ हो, इससे बड़ा धन क्या है। मन में प्रभु आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य का। स्वभाव में सरकार की भक्ति प्रवेश कर गई, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। चरणामृत अंदर प्रवेश कर गया, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिम प्रकल्पते। जय जय भगवान की भक्ति प्राप्त। कब नहीं चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए और क्या चाहिए, इसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। क्या, कब, कहाँ, कितना और कैसे तो आप जानते ही हैं। केवट जी ने कहा, प्रभु अब कजुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल यनो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अनुभूति करिए, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, किसी को निभा के काबिल को निभाने तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी है प्रभु है बोझ इतना, जिसे मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं या तो गया मगर जानता हूँ, तेरे दर पे कृपा तुमने अदाती मुझे जिंदगानी, राम राम
सिय नहीं कछु के बटले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल। बहुत किया प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने, माँ ने, केवट जी ने कुछ नहीं लिया, तब भगवान ने विमल भक्ति उनको प्रदान किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की मनौती मानी है सीता मैया ने, गंगा जी से आशीष पाए। भगवान आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ। श्रीमुख से प्रभु ने तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा की। बसों के जाने का समय हो गया, इसलिए माताएं सब चली जा रही हैं, तो माता लोग चली जा रही हैं और तो कथा भी चली जाए, हमको लगता है कि है ना। बहुत अच्छा, बड़ी कृपा है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आंखों में है। बहुत अच्छा है। भगवान तीर्थराज प्रयाग में आनंद लिए, रात्रि विश्राम हुआ है, फिर प्रभु आगे बढ़े, वन प्रदेश का दर्शन करते सरकार चित्रकूट पधारे हैं और चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के भगवान को दर्शन हुआ। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के 14 स्थान बताए। ये सभी चर्चा और भरत भैया को प्रणाम हम लोग कल करेंगे। इधर सुमंत्र जी महाराज का श्री अवधागमन हुआ है, महाराज संदेश पाए। भरत शत्रुघ्न जी को बुलाया गया है, उनके महाप्रयाण होने के पश्चात भरत शत्रुघ्न जी आए। माँ कौशल्या जी ने, गुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया, फिर तो सरजू जी के तट पर चंदन की चिता बनाई गई है, महाराज को अग्निवास कराया गया। दशगात्र हुआ, त्रयोदशाह चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। इन सभी प्रसंगों को हम लोग कल स्मरण करेंगे, आज इतना ही। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।